पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बॉयज़, इसको ध्यान से लिखना, कल आपने मुझे क्लास से पहले सेंड करना, नहीं तो मैं अगला पढ़ाऊँगी नहीं जब तक ये देखोगे नहीं। सो फ्लावर मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव शूट है, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव शूट। इसमें सेपल है, पेटल है, एंड्रोशियम है, गायनोशियम है। सेपल को हम कैलिक्स बोलते हैं, पेटल को हम कोरोला बोलते हैं, एंड्रोशियम इज योर स्टेम, मैन लग गया ना इसके बीच, इसको दो हिस्सों में आप बांधे, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। फिलामेंट इज योर स्टेराइल पार्ट विच होल्ड्स द एंथर, एंथर के अंदर यू, एंथर इज बायोथिकस, इसके अंदर पोलन सैक्स होते हैं और उन पोलन सैक्स के अंदर आपको पोलन ग्रेन मिलता है। एंड्रोशियम इज डिप्लॉयड, फिलामेंट इज डिप्लॉयड, एंथर इज डिप्लॉयड, बट द पोलन ग्रेन इज योर हैप्लॉयड। पोलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमीट बोलेंगे, गॉट इट। सो मेल गैमीटोफाइट इज हैप्लॉयड, मेल गैमीट इज हैप्लॉयड, जो भी आप कहना चाहते हो। वैसे ही आपका गायनोशियम है, गायनोशियम इज योर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मैंने क्लास में पढ़ाया, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर, दिस इज ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, पढ़ा है ना पूरा। एम्ब्रियो सैक को और क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये सेक्शन इज योर ओव्यूल, इसके ऊपर आएगी ओवरी। स्टिग्मा इज डिप्लॉयड, गायनोशियम, पिस्टल, कार्पल, वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप कुछ भी कहिए। स्टाइल इज योर 2N, ओवरी इज योर 2N, ओव्यूल इज योर 2N, ओव्यूल का एक और नाम है मेगा स्पोरेंजियम, गेन 2N, बट द एम्ब्रियो सैक इज योर हैप्लॉयड। एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉयड। सो अगर मैं एम्ब्रियो सैक को ड्रॉ करूँ, तो एम्ब्रियो सैक में मेरे पास 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल, और ये दो पोलर न्यूक्लिया, तो ये एम्ब्रियो सैक। ये सारे के सारे हैप्लॉयड इंडिविजुअल सेल जो भी इसके अंदर है सारा हैप्लॉयड। तो एम्ब्रियो सैक इज, एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और यही आपका, ये आपका हैप्लॉयड होता है। तो ये क्वेश्चन नीट में आया इस साल 2023 में, ठीक है। फ्लावर जो है डेवलप्स फ्रॉम द एग्जाइल ऑफ द लीफ,
अगर ये आपका पत्ता है ठीक है, तो ये जो सेक्शन है, ये जो एंगल होता है उसे एक्साइल कहते हैं। कहते हैं यहाँ से जो है वो फ्लावर आपका जो है वो ओरिजिनेट होता है। अब एक बात याद रखिए, आप गमले में जब बीज लगाते हो, सीड लगाते हो, तो ये रेडिकल होता है, ये प्लमियन होता है। प्लमियूज से शूट निकलती है, शूट बनती है, फिर इस पे पत्ते आते हैं। आते हैं कि नहीं? जब पत्ते आते हैं दैट फेज इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। पत्ते आएंगे, रूट्स आएंगे, ये कौन सा फेज है? वेजिटेटिव फेज। कुछ समय के बाद इसमें से आपको फ्लावर दिखेगा। तो वही शूट जो अभी तक, मतलब जो अभी तक वेजिटेटिव पार्ट्स बना रही थी, तो हम उसको बोलते हैं कि अभी तक जो शूट वेजिटेटिवली काम कर रहे थे, हम इसको बोलेंगे वेजिटेटिव शूट एपेक्स। जो अभी तक शूट, जो भी शूट का हिस्सा पत्ता बना रहा था, वेजिटेटिव शूट एपेक्स की तरह काम कर रहा था, वही वेजिटेटिव शूट एपेक्स समय, ऐसा तो नहीं कि फूल के लिए अलग से पौधा बनाएगा, नहीं, वही वेजिटेटिव शूट एपेक्स समय आने पर क्या बनाएगी, विल ट्रांसफॉर्म या चेंज इंटू या डेवलप इंटू रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स। कि फ्लावर आने का समय आ गया तो रिप्रोडक्शन का समय आ गया, पढ़ाया ना हमने, तो ये क्वेश्चन भी नीट में आया है। अभी आप इस क्लास में बैठे, जैसे फिजिक्स की क्लास आ गया, फिजिक्स का मोड पकड़ लोगे, तो भाई मोड की बात होती है, जब तक वेजिटेटिव फेज था तब तक वेजिटेटिव शूट एपेक्स था, जब वो चेंज हो गया, चेंज इनटू रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स, समझे? सो वेजिटेटिव शूट एपेक्स इज गोइंग टू चेंज इनटू रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स जब फ्लावर आने की बारी होती है। दैट इज द क्वेश्चन आस्क इन मी 2023, क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जब तक पत्ता था, जब तक वेजिटेटिव पार्ट था, जब जब उसका सीजन आएगा तो उसको हमें रिप्रोडक्शन करनी है, तो फ्लावर डेवलप होगा, तो वही शूट एपेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स में। और आपको सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गायनोशियम देना, मतलब जो भी फ्लावर का ऑर्गन है वो देना शुरू कर देगी। गॉट इट? समटाइम्स हमने फ्लावर पढ़ा है, मैंने आपको फ्लावर अच्छी तरह से पढ़ाया है ना, ये सारे सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गायनोशियम, स्पैक की तरह मैंने याद करा, यू हैव स्वैक, फ्लावर हैज स्पैक, है ना? तो सबसे बाहर सेपल, सेपल सबसे आउटर मोस्ट वॉल इज सेपल। फ्लावर हमेशा वॉल में होता है, गोल आकार में होता है, फिर उसके अंदर पेटल्स होती हैं, फिर उसके अंदर एंड्रोशियम होता है, एंड फिर उसके अंदर गायनोशियम होता है। तो ये हमेशा ऐसे होता है, फ्लावर हमेशा वॉल के रूप में होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ गायनोशियम सबसे अंदर होता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्लावर के टाइप्स। फ्लावर कंप्लीट फ्लावर होता है, न्यूटर फ्लावर होता है, एंड इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर का मतलब है ये वाला फ्लावर जिसमें सेपल भी हो, पेटल भी हो, एंड्रोशियम भी हो, गायनोशियम भी हो, मतलब सब कुछ हो, कंप्लीट फैमिली हो, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। मतलब सेपल, देखो सेपल इज नॉट नेसेसरी, कईयों में होती है कईयों में नहीं होती है, तो हर एक के पास सेपल भी नहीं होगी, ठीक है? तो सेपल हर एक के पास सुंदर सुंदर पेटल्स भी नहीं होती है ना? तो सेपल पेटल नॉन असेंशियल पार्ट्स हैं, होंगे तो भी चलेगा, नहीं होंगे, होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी चलेगा, तो नॉन असेंशियल पार्ट्स। एंड्रोशियम एंड गायनोशियम इज असेंशियल पार्ट्स, इनका होना बहुत जरूरी है। असेंशियल पार्ट्स ये होंगे तो रिप्रोडक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना? और ये सारे डिप्लॉयड होंगे, जो डिप्लॉयड होंगे, ठीक। नाउ इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा होगा? इनकम्प्लीट फ्लावर में सेपल होगा, कोई भी कम हो जाए तो वो इनकम्प्लीट है, पेटल हो, और मान लो सिर्फ एंड्रोशियम, मतलब सिर्फ फीमेल पार्ट, मतलब सेपल है,
पेटल है और एंड्रोशियम। तो ऐसा फ्लावर क्या हो गया, मेल फ्लावर है तो इनकम्प्लीट ही है ना, यानी कंप्लीट फ्लावर कैसे हुए, बायसेक्सुअल, कैसे हुए, बायसेक्सुअल और मोनोईशियस, मतलब इसमें लड़की भी है, सॉरी इसमें लड़की वाला पार्ट भी है और लड़के वाला पार्ट भी है, तो ऐसे सिंबल होता है बायसेक्सुअल फ्लावर का। एंड्रोशियम इज अ मेल फ्लावर, इसमें सिर्फ लड़के वाला पार्ट होगा तो ये मेल फ्लावर है, ऐसा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर, दिस इज योर इनकम्प्लीट फ्लावर। या फिर सेपल हो, पेटल हो या गायनोशियम, मतलब सेपल है, पेटल है, इसका डंडा है, इस डंडे को क्या बोलते हैं, पेटिकल, और द बेस इस पे लगा है इसे क्या बोलते हैं, थैलेमस, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो थैलेमस पे जुड़ते हैं, तो ये थैलेमस आ गया, ये पेटिकल आ गया, और आप इसके बीच में सुंदर सी, तो ये फ्लावर हो गया फीमेल फ्लावर, ये भी इनकम्प्लीट है, लड़के वाला पार्ट नहीं है, तो ये आ गया फीमेल फ्लावर, है ना, तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर्स। कई फ्लावर ऐसे होते हैं कि सेपल पेटल तो हैं बट असेंशियल ऑर्गन ही नहीं है, जैसे न्यूटर फ्लावर, सो न्यूटर फ्लावर बोथ असेंशियल ऑर्गन्स आर एब्सेंट, मतलब दोनों ही असेंशियल ऑर्गन्स एब्सेंट हैं, ठीक है। आप सबने सूरजमुखी देखा है, सूरजमुखी देखने में कितना सुंदर है, पर सूरजमुखी अपने आप में बहुत सारे फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन है, ये जो बीच के फ्लावर्स होते हैं ना, ये होते हैं काम के यूनिट, ये जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये सिर्फ सुंदरता है, इसमें ये जो पार्ट है, ये फूल एक फूल नहीं है, ये फूल में बहुत सारे फूल हैं, तो फूल ये पेटल्स नहीं है इसके, क्योंकि बेसिकली दीज आर योर रे फ्लोरेट्स, इन्हें क्या बोलते हैं, रे फ्लोरेट्स, क्या बोलते हैं बेटा, रे फ्लोरेट्स, और इन रे फ्लोरेट्स में ये अट्रैक्शन के लिए हैं, मैं से ये रे फ्लोरेट हैं, तो सूरजमुखी एक फूल नहीं है, सूरजमुखी में न जाने कितने छोटे 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 फूल है, फूल हमेशा ऐसा नहीं होता देखने में पेटल हो जो सूरज, जो तुम्हारी इमेजिनेशन है, ये जो सूरजमुखी तुम्हें दिखाई दे रहा है ना जाने कितने फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन है, हम आगे पढ़ेंगे जब इनफ्लोरेसेंस आएगा, तो मैं इसमें एग्जांपल दे रही हूँ, जो ये दिख रहे हैं ना रे, जो सूरज की किरणों की तरह दिख रहे हैं, तब इसका नाम सन फ्लावर रखते हैं, अंदर का यूनिट काम का यूनिट, ये डिस्क फ्लावर्स होते हैं और इन्हें रे फ्लावर्स बोलते हैं, रे फ्लोरेट्स बोले, क्वेश्चन नीट में एक बार आया था 2019 में, तो रे फ्लोरेट्स जो होते हैं ये न्यूटर फ्लावर्स होते हैं, ये अपने आप में खुद से खुद ही एक फ्लावर है जो मधुमक्खी को अट्रैक्ट कर रहा है, पर इसमें असेंशियल ऑर्गन नज़र नहीं आएगा, काम का यूनिट डिस्क फ्लावर्स में होता है, भद्दे से दिख रहे हैं ना जो ये होते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, अदरवाइज रे फ्लोरेट्स में आपका कोई भी असेंशियल ऑर्गन यानी ना मेल ना फीमेल कुछ भी नहीं होता, अंडरस्टूड, इसको लिख लेना, याद रखना। तो ये ख़त्म हुआ टाइप्स ऑफ फ्लावर, फिर हम देखते हैं फ्लोरल सिमेट्री, फ्लोरल सिमेट्री के हिसाब से हमने फ्लावर को डिवाइड करना है, तो फ्लोरल सिमेट्री में हम इसको तीन हिस्सों में बांटेंगे, पहला एक्टिनोमॉर्फिक, देन जाइगोमॉर्फिक एंड देन असिमेट्रिकल, आप किसी भी फूल को उठाइए, एक्टिनोमॉर्फिक का एक और नाम है रेडियल सिमेट्री, सो फ्लोरल सिमेट्री के हिसाब से आई एम गोइंग टू डिवाइड, कि फूल बट कटेगा कैसे, उसके हिसाब से कि अरेंजमेंट ऑफ योर फ्लोरल ऑर्गन्स अराउंड द एक्सिस की
एक्सिस के अराउंड फ्लोरल ऑर्गन, फ्लोरल ऑर्गन होते हैं तुम्हारे सेपल पेटल एंड रोशियम डायनोशियम. तो फ्लोरल सिमेट्री का क्या मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स अराउंड द एक्सिस, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल सिमेट्री. अब फ्लोरल सिमेट्री को मैं हम तीन हिस्सों में बांट पड़ते हैं, आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं. पहला हिस्सा एक्टिनोमॉर्फिक, और रेडियल सिमेट्री. दूसरा हिस्सा दूसरा टाइप जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल सिमेट्री. थर्ड टाइप इज असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल. देखो पहला टाइप देखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, या हम इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं. सो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हो गई फ्लावर डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स. फ्लावर डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स, ध्यान रखना टू इक्वल हाफ्स, और बिल्कुल मिरर इमेज बनेगी. मिरर इमेज बाय एनी वर्टिकल प्लेन, कट बाय कहीं से भी काटो, कट बाय एनी वर्टिकल प्लेन. तो मान लो ये आपका फूल है कोई, आप इसको ऐसे डिविजन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज गेट इक्वल हाफ. ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, और दे शो रेडियल सिमेट्री. कहीं से भी काटेंगे पर लाइन ऑफ एक्सिस बीच में से कट, आपका बीच में से कट जरूर जाना चाहिए. वैसे हम संतरे को छीलते हैं ना, इधर से छीलो इधर से छीलो, बीच में से जब उसको डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, तो वही हिसाब यहाँ पे है, आपको ऐसे याद रखना है. सो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री आपको दिखेगी मस्टर्ड में, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, इसमें इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एग्जांपल्स रट लेना. चाइना रोज 2018 में एक बार क्वेश्चन भी आया था इससे, लिली, ये सारे के सारे एक्टिनोमॉर्फिक. सेकेंड टाइप आती है तुम्हारे पास जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री फ्लावर विच कैन बी डिविजिबल इनटू फ्लावर्स इज डिविजिबल इनटू टू वर्टिकली इक्वल हाफ्स बाय वन प्लेन. ठीक है, मतलब अगर ये फूल है तो अगर आप इसको ऐसे काटोगे तभी इक्वल हाफ मिलेगा, आप ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो कभी इक्वल हाफ नहीं मिलेगा. इक्वल हाफ हमेशा इसको, तभी इसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं. बाय मतलब दो, लेटरल मतलब साइड, दो इक्वल साइड्स आती हैं आपके पास तभी जब आप बीच में से काटते हो. ठीक ठीक है, इसका एग्जांपल आपके पास पी, ठीक है. फिर लास्ट आता है तुम्हारे पास असिमेट्रिकल, नाम से ही पता चलता है, दिस इज एन इररेगुलर फ्लावर. आप कहीं से भी काटो, कहीं से भी काटो, will never get
इक्वल हाफ्स, आपको कभी भी इक्वल हाफ नज़र नहीं आएगा। ये वे नीट 2018 में आया था क्वेश्चन। इसका एग्जांपल है कैना, ठीक है, समझे? सो दिस इज योर एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्रिक, जाइगोमॉर्फिक, बीच में से एक मटर है, मटर का फूल है, असिमेट्रिकल कहीं से भी काटेंगे। तो तीन तरह के एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल भी बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक को बायलेटरल बोलते हैं और असिमेट्रिकल को इरेगुलर बोलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम्पल्स के लिए, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं उसको रट लीजिए, ठीक है? थैंक यू। तो इसको अच्छी तरह से करो, ये करके कल आप दिखाएंगे तभी मैं आगे पहुँचूंगी लड़कों, वरना मैं आगे नहीं जाऊँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच।